नमस्कार आप सभी को। देखिए, आज का अपना टॉपिक फोटोसिंथेसिस के अंदर जो कैम पाथवे होता है उसको अपन डिस्कस करेंगे। कैम पाथवे को कैम प्लांट्स के संदर्भ में पूछा जाता है। वैसे इसका जो पूरा नाम है वो होता है क्रेशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। देखो, क्रेशुलेशी एक फैमिली का नाम है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की एक फैमिली है क्रेशुलेसी, जहाँ सबसे पहली बार इस पाथवे को ऑब्जर्व किया गया तो वहाँ से इसका नाम है। एसिड का मतलब ये है कि जब हम पाथवे पढ़ेंगे तो यहाँ पे एसिडिफिकेशन आएगा, यानी कि एसिड बनेगा, एसिड स्टोर होगा, तो मॉडिफिकेशन है थोड़ा सा, जो C3 पाथवे है उसके चेंजेज हैं। और ख़ास प्रकार के पौधे जो कि मोस्टली सक्यूलेंट होते हैं ना, मोस्टली जो प्लांट्स हैं वो सक्यूलेंट हैं। देखो, सक्यूलेंट प्लांट हम बोलते हैं जो मांसलोद्भिद पौधे होते हैं ना, उनको अपन सक्यूलेंट बोलते हैं। थोड़ा सा आप ऐसे ध्यान देंगे कि जो मांसलोद्भिद पौधे होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो तो होता है ज़्यादा, वॉल्यूम होता है कम, और उनका जो मास होता है वो होता है ज़्यादा। यानी कि ऐसे पौधे हैं जिनके थोड़े से आयतन में ज़्यादा वजन होता है। जैसे कॉमनली मान लो कि जैसे आप लोग ग्वार पाठा को जानते हैं ना, एलोवेरा है ना ग्वार पाठा, तो एलोवेरा एक सक्यूलेंट प्लांट है। अब एलोवेरा की पत्ती आपने हाथ में लेके देखी है तो छोटा सा पत्ती होता है लेकिन उसमें वजन बहुत ज़्यादा होता है, तो वॉल्यूम छोटा होता है लेकिन उसमें वजन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा पानी को स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए हम इनको मांसलोद्भिद पौधे बोलते हैं। वैसे ये खास प्रकार के जीरोफाइट प्लांट्स हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं जो कि शुष्क आवासीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखो, मेनली एक गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये होता है कि जैसे दिमाग में आता है कि भाई कोई जीरोपिटिक प्लांट है तो उसकी जड़ें बहुत गहरी होंगी। ओके, तो मेनली जो प्लांट्स हैं वो जीरोपिटिक प्लांट्स हैं सक्यूलेंट कैटेगरी के। हालांकि जीरोफाइट में तो बहुत कैटेगरी आती है लेकिन कैम प्लांट्स मेनली सक्यूलेंट पौधे होते हैं। और सक्यूलेंट पौधों के लिए आपको ध्यान देना है कि जैसे आपको कभी और कोई क्वेश्चन करना हो तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, कि जैसे इनके पत्ते तो काफ़ी मोटे होते हैं लेकिन इनकी जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, वो ज़मीन के बिल्कुल समानांतर फैली रहती हैं। इसके पीछे कारण ये होता है कि मॉइस्चर को जल्दी से सोखते हैं और मॉइस्चर को जल्दी से सोख करके ये पानी को हाथों हाथ स्टोर करती है। तो जैसे बाकी जीरोफाइट की पत्तियां जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी होती हैं ना, वैसे इनकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती। जैसे आप मान लो कि खेजड़ी की बात करोगे, वो जीरोफाइट है, उसकी जड़ें तो बहुत गहराई तक जाती हैं, लेकिन जो मांसलोद्भिद हैं जैसे आप ग्वारपाठ है उसको आप ऐसे हाथ से उखाड़ लेते हो। क्यों उखाड़ लेते हो? क्योंकि इनकी जड़ें फाइब्रस रूट सिस्टम होता है जो कि जमीन के समानांतर फैला रहता है। तो थोड़ा सा अपन को आइडिया रहना चाहिए कि जब हम सक्यूलेंट बोलते हैं तो ये पौधे कैसे हैं, राइट? ओके, अब देखो, अगर डिस्कवरी की बात की जाए तो इसका जो क्रेडिट जाता है वो 1960 में जो वर्क है रैनसन एंड थॉमस का, इन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया। सिमिलरली 1973 के अंदर रोहन वाइंस एंड ब्लैक ने भी जो क्रेशुलेशन प्लांट्स हैं उसमें इसको ऑब्जर्व किया गया, कि मेनली जिनको जो डिस्कवरी का क्रेडिट है वो क्रेशुलेसी प्लांट से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इसका जो पता लगाया गया था वो क्रेशुलेसी के प्लांट्स के अंदर पता लगाया गया। अब काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक्चुअल में एक तो एग्जांपल्स के आते हैं, तो आपको एग्जांपल्स पता होना चाहिए। जैसे कि ब्रायोफिलम, जिसको अपन पत्थर चट्टा बोलते हैं, ब्रायोफिलम इसका एग्जांपल है। सीडम है ये इसका एग्जांपल है। कैलोंची जो है ये भी इसी का एग्जांपल है। ये सब सक्यूलेंट प्लांट्स हैं, क्रेशुलेसी के पौधे हैं। ऐसी पाइनएप्पल जो कि अपन एक एडिबल प्लांट के रूप में, फ्रूट प्लांट के रूप में काम में लेते हैं, ये
क्रैसुलेसी का नहीं है, ये ब्रोमेलेसी का पौधा है। तो फैमिली वाइज थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर फ्रूट्स वगैरह भी आपके सिलेबस में है, तो थोड़ा सा अपन वहाँ से भी ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे ओपन सिया है, राजस्थान के रेफरेंस के अंदर जो नागफनी है ये इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो इसका फिल्लोड क्लेडोड उस एंगल से बनता है कि मॉडिफाइड स्टेम वहाँ से बनता है, राइट। और कैम्प पाथवे भी इसके अंदर पाया जाता है। ऐसे जो ऑर्किड्स हैं उनके अंदर भी हमें मिलेगा, जो वनीला है ये इकोनॉमिक प्लांट है, ऐसे अगेव है इसके अंदर भी हमें देखने को मिलता है। तो काफ़ी सारे हमारे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर हमें कैम मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगी। मोस्टली जो पौधे हैं वो सक्यूलेंट्स हैं, मेनली क्रैसुलेसी के पौधे हैं, लेकिन क्रैसुलेसी के बाहर भी जैसे ऑर्किड्स हैं वो ऑर्किडेसी के हैं, अगेव है वो अगेवेसी का है, कैक्टस है वो कैक्टेसी के हैं, तो बहुत सारे अदर प्लांट्स भी हैं, ओनली क्रैसुलेसी के मेंबर्स नहीं है। ओके, इसके बाद में हम इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे। देखो क्रैसुलेशन मैकेनिज्म को समझने के पीछे जो लॉजिक है वो है कि ये सारे पौधे सक्यूलेंट्स हैं, मेनली ये पौधे सक्यूलेंट्स हैं, और सक्यूलेंट पौधों का एक करेक्टर होता है कि उनके स्टोमेटा नाइट में खुलते हैं, स्टोमेटा ओपन इन नाइट। तो ऐसे पौधे जिनके स्टोमेटा नाइट में खुलते हैं उनको अपन बोलते हैं स्कोटो एक्टिव, जिनके लाइट में खुलते हैं उनको बोलते हैं फोटो एक्टिव, और जिनके अंधेरे में स्टोमेटा खुलते हैं उनको बोलते हैं स्कोटो एक्टिव। अगर किसी भी पौधे के रंध्र रात को खुलते हैं तो इसका कारण है वाटर लॉस को मिनिमाइज करना, यानी कि जो जल की हानि होती है उसको पौधे क्या करते हैं कम करने का एक प्रयास है। कि अगर दिन में खोलेंगे तो ज़्यादा पानी है वो एवोपरेट होगा, वाटर लॉस ज़्यादा होगा, और अगर रात में स्टोमेटा खोले जाते हैं तो पानी का जो लॉस है वो कम होगा। तो सक्यूलेंट प्लांट्स हमारे स्कोटो एक्टिव हैं, नाइट में स्टोमेटा ओपन होते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि अगर किसी पौधे के स्टोमेटा नाइट में ओपन होते हैं, है ना, अगर स्टोमेटा मान लो कि रात में पौधा खोल रहा है तो उस समय पे सनलाइट नहीं है, सनलाइट अब्सेंट होती है। अब सनलाइट अब्सेंट होती है उसका मतलब ये है कि हम लाइट रिएक्शन नहीं कर सकते, लाइट रिएक्शन नॉट ऑपरेट, लाइट रिएक्शन नहीं हो पाएगी। पर बिना लाइट रिएक्शन के हम डार्क रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने स्टोमेटा खोला तो CO2 तो अंदर आ जाएगी लेकिन लाइट रिएक्शन नहीं हो रही तो हम यूज नहीं कर सकते। बाकी जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें दोनों काम साथ होते हैं, दिन में लाइट भी आ रही होती है, स्टोमेटा भी खुल रहे होते हैं, तो वो स्टोमेटा से CO2 ले भी लेते हैं और फिर लाइट रिएक्शन से NADH बन रहा है, ATP बन रहे हैं, और उससे डायरेक्ट रिएक्शन वो करा लेते हैं। लेकिन रात में स्टोमेटा खुलने से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि पौधे के पास सनलाइट यूज करने का सिस्टम नहीं है। तो ये हुआ कि जैसे आपने कहा कि पौधे ने नाइट वन में स्टोमेटा खोला, है ना, जैसे आज रात उसने स्टोमेटा खोला तो स्टोमेटा खोल के वो क्या करेगा, CO2 को पिकअप करेगा, है ना, स्टोमेटा से CO2 को वो उठाएगा। अब इसको अगले दिन जो D2 आएगा उसमें क्या होगा, दिन में इनके स्टोमेटा बंद है, स्टोमेटा इनके क्यों रात में खुलते हैं, दिन में बंद हो जाएंगे, उस समय पे ये लाइट रिएक्शन करेगा, लाइट रिएक्शन करेगा, पर उससे क्या बनाएगा, प्रोड्यूस NADH बनाएगा जो कि रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट होते हैं, फिर इसको इस्तेमाल करेगा वो यूज इन
डार्क रिएक्शन, यानी कि C3 साइकिल। मीन्स आप इसको ऐसे समझें कि पौधे ने पिछली नाइट में जो CO2 उठाई थी वो CO2 काम आएगी अगले दिन, वो भी कब, जब पहले दिन उगेगा और पौधा लाइट रिएक्शन करके NADPH बनाएगा, उसके बाद में RUBP के साथ में CO2 जुड़ेगी, कार्बोक्सिलेशन होगा। तो एक टाइम गैप है कि रात को उठाई थी और अगले दिन उसको काम में लिया जाएगा, तो देयर इज ए टाइम लैग। जैसे C3 की बात करें अपन, तो C3 में ऐसा कुछ नहीं है, C3 में हाथों हाथ लाइट रिएक्शन चल रही है, हाथों हाथ डार्क रिएक्शन चल रही है, वहाँ तो जगह का भी अंतर नहीं है, सेम लोकेशन होती है, म्यूजोफिल में ही दोनों काम हो जाते हैं। बट अगर आप C4 की बात करेंगे तो वहाँ पे टाइम लैग जैसा मान नहीं सकते, क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा से सेल जुड़ी हुई होती हैं, म्यूजोफिल के अंदर लाइट रिएक्शन होती है और बंडल सीथ के अंदर डार्क होती है, तो वहाँ केवल जगह का डिफ्रेंशिएशन हुआ था, अब यहाँ पे टाइम का डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो अगर कोई पौधा पानी की कमी को बैलेंस करने के, कम पानी के ऊपर वो अपना काम चलाना चाहता है, तो ऐसा करने के लिए अगर कोई पौधा टाइम को एडजस्ट करता है तो दिस इज टेम्पोरल एडजस्टमेंट। कि फोटोसिंथेसिस का एक प्रकार का टेम्पोरल अडप्टेशन है, समय के साथ किया गया एडजस्टमेंट है, तो टाइम लैग मिलेगी। नाइट में CO2 को उठाया जाएगा, अब पौधा नाइट में CO2 को उठा करके क्या करेगा, इसको बस वो जमा करेगा, स्टोर करेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स हैं वो अगर किसी भी प्रोडक्ट को जमा करते हैं तो वो कहाँ करते हैं, तो आंसर आता है वैक्यूल। कि पौधे किसी पिगमेंट को जमा करते हैं, किसी मेटाबोलाइट को जमा करते हैं, किसी एल्कोलाइड को जमा करते हैं, तो कहाँ करते हैं, मेनली वैक्यूल्स में जमा करते हैं। तो पहली नाइट में जब स्टोमेटा खुल रहे हैं तो प्लांट CO2 को उठा के जमा करेगा वैक्यूल्स में, तो किस फॉर्म में करेगा वो भी अपन समझेंगे। अगले दिन उसको काम में ले पाता है, तो टाइम के रिलेशन में एडजस्टमेंट है एक प्रकार का। यहाँ हमें क्रेंज जैसा कुछ नहीं मिलेगा, कोई डिफरेंशिएशन जैसा कुछ नहीं मिलेगा, सारी सेल मेजोफिल सेल्स होंगी, बस नाइट का काम अलग है, डे का काम अलग है। देखो अब अपन इसको समझेंगे, तो सबसे पहला काम आता है कि जब फोटोसिंथेसिस की बात आती है तो एक तो आपको लाइट चाहिए, एक आपको पानी चाहिए और एक आपको CO2 चाहिए। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पानी, कि जब स्टोमेटा खोले जाते हैं तो पानी का लॉस होता है और पानी केवल रेनफॉल से मिलता है, तो पौधों के लिए जैसे लाइट इम्पोर्टेंट मानते हैं अपन, क्लोरोफिल इम्पोर्टेंट मानते हैं, उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पानी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वाटर। तो पानी को सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे ध्यान रखा जा रहा है, उसी के कारण से सारा ये मैकेनिज्म है। देखो नाइट के अंदर प्लांट स्टोमेटा ओपन करेगा, बुक्स के अंदर आपका तरीका थोड़ा बहुत अलग हो सकता है बताने का, लेकिन आप सिंपल इसको समझें कि नाइट के अंदर स्टोमेटा ओपन होंगे तो उससे क्या होगा, CO2 अंदर आएगी, CO2 का इंटैक होगा, और CO2 कहाँ आएगी, इन सब स्टोमेटल कैविटी, स्टोमेटा के ठीक नीचे छोटा सा खाली जगह होता है उसको अपन सब स्टोमेटल कैविटी बोलते हैं, और फिर वहाँ से ये CO2 कहाँ जाएगी, मेजोफिल सेल में।
और मेजोफिल सेल के अंदर वो पानी के साथ में इंट्रैक्ट करेगी, यानी कि जो CO2 है वो पानी के साथ में इंट्रैक्ट करेगी, तो इससे बनेगा कार्बोनिक एसिड H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है, ये डिसोसिएट हो जाएगा, डिसोसिएट होकर के ये बनाता है बाइकार्बोनेट और H+। तो अपन ये कह रहे हैं कि पौधे ने नाइट में स्टोमेटा खोले, CO2 अंदर आएगी, मेजोफिल में जाएगी, मेजोफिल की सेल्स में पानी है, पानी के साथ CO2 इंट्रैक्ट करेगी और बनेगा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड टूटेगा बाइकार्बोनेट और H+ के अंदर, डिसोसिएट होगा। अब ये जो बाइकार्बोनेट बना है, ये बाइकार्बोनेट काम में आता है, ये जुड़ेगा पैप के साथ में, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अब देखो यहाँ जो आपने फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बोला, ऐसा ही मैग्नीजम C4 में होता है ना, सेम CO2 एक्सेप्टर लाइक C4। तो C4 में भी पैप ही एक्सेप्ट करता है और कैम के अंदर भी पैप ही एक्सेप्ट करता है, लेकिन पैप में कब करेगा, नाइट में करता है, और C4 में कब करता है, डे में करता है, क्योंकि वहां सब दिन में चल रहा है और यहाँ ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, रात को हो रही है, नाइट में हो रही है। ठीक है, जो कार्बोनिक एसिड है उसको आप CO2 के बराबर ही मानेंगे, राइट। तो फॉस्फोनोल पायरुवेट के साथ में जब पैप इंट्रैक्ट करेगा तो उससे बनेगा ऑक्सेनोएसिटिक एसिड, ऑक्सेनोएसिटिक एसिड यानी कि OAA। तो इस चीज को लेकर के ये दोनों सेम है कि एक्सेप्टर मॉलिक्यूल भी वही है और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है, क्योंकि पहला प्रोडक्ट यही बना है, फर्स्ट जो प्रोडक्ट है C4 में भी ऑक्सेलो ही बनता है और कैम के अंदर भी ऑक्सेलो ही बनता है, टाइम का डिफरेंस है, यहाँ नाइट में हो रहा है, वहाँ पे सारा डे में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको जोड़नी पड़ेगी, वो है कि ये पैप कहाँ से आता है, कि नाइट के अंदर जैसे स्टोमेटा खुले रहेंगे, बार बार CO2 अंदर आएगी, बार बार पैप की जरूरत पड़ेगी, तो इतना सारा पैप कहाँ से आता है, तो वो अपन देखते हैं। देखो इसका आंसर रहेगा कि जो मेजोफिल सेल्स हैं उनमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, स्टार्च एक रिजर्व फूड है और नाइट के टाइम पे स्टार्च का ब्रेकडाउन होगा, स्टार्च टूटेगा और उससे बनेंगे 3 कार्बन के ट्रायोसुगर और उनमें फॉस्फेट जुड़ा हुआ, और उसी से बाद में बनेगा पैप जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो रात के अंदर बार बार स्टार्च वो टूटेगा और रेगुलर स्टार्च के टूटने से पैप बनेगा, और पैप बाद में काम आता है एज ए एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके बाद में हम आगे का कन्वर्जन देखते हैं कि अभी हमने ऑक्सेनोएसिटिक एसिड बना लिया, अब ऑक्सेनोएसिटिक एसिड का कन्वर्जन होता है मैलिक एसिड के अंदर, ये कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड के अंदर, और मैलिक एसिड भी 4 कार्बन का ही एसिड है, C4 एसिड है, और यहाँ पर्टिकुलर जो मेन एंजाइम है वो है NAD+ मैलिक डीहाइड्रोजिनेस, NAD+ मैलिक डी हाइड्रो
जिनेज। और इस एंजाइम का मेन काम ये होता है कि ये NADH को यूज करता है और NADH को कन्वर्ट कर देगा NAD+ में। तो ऑक्सलिक एसिड, एसिटिक एसिड जो बना था वो मैलिक में कन्वर्ट होगा और फिर मैलिक एसिड है ये जमा हो जाएगा, स्टोर इन वैक्यूल। तो सिंपली अपन इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि जैसे क्लोरोप्लास्ट है, ये है क्लोरोप्लास्ट और ये है वैक्यूल। और बाकी ये साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है बाइकार्बोनेट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है स्टार्च। स्टार्च के टूटने से बनेगा फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट जो बाहर आएगा और इनसे फिर बनेगा ऑक्सलो एसिटिक एसिड और ऑक्सलो से बनेगा मैलेट और मैलेट बाद में वैक्यूल के अंदर स्टोर होता रहेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलेगी ड्यूरिंग नाइट। इसको अपन बोलते हैं डार्क एसिडिफिकेशन, डार्क एसिडिफिकेशन। तो कैम मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप होता है वो डार्क एसिडिफिकेशन है। कहाँ पे होगा? मेजोफिल सेल्स में होगा, मेजोफिल सेल्स में होगा। कैसे होगा? स्टार्च टूटेगा, उससे पैप बनेगा, पैप स्टोमेटा से आई हुई CO2 को एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सलो एसिटिक बनेगा, फिर डिहाइड्रेजनेज एंजाइम मैलेट में कन्वर्ट करेगा और मैलिक एसिड वैक्यूल्स के अंदर जमा होगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस रात को जब तक स्टोमेटा खुलेंगे तब तक चलेगा। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, वो ये है कि CO2 को मैलेट के रूप में जमा करने के लिए पौधे को पिछले दिन जो स्टार्च बना था वो तोड़ना पड़ता है, यानी कि पहले से उसके पास जो जमा कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़ना पड़ेगा, तब वो नया CO2 काम में ले सकता है। यानी कि थोड़ा सा जोड़ने के लिए पुराना मटेरियल उसको तोड़ना पड़ता है। तो एक तो क्या होता है कि रात भर जितनी CO2 आएगी उतनी ही जमा हो पाएगी, दिन में स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, तो जब लाइट आएगी तो बहुत ज़्यादा डार्क रिएक्शन पौधा नहीं कर सकता, लिमिटेड हो गया कि जितनी CO2 रात भर उठाई है बस वही अगले दिन काम आएगी। और उसको उठाने में भी हमारा स्टार्च है वो टूटा था तो बायोमास है उसमें कमी आई है। तो जो कैम प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा धीरे ग्रो करते हैं, स्लो ग्रोविंग है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे C4 से तो C4 पौधे तो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। C4 जो है वो फास्ट ग्रोविंग ग्रासेज है, ट्रॉपिकल ग्रासेज है जो कि बहुत तेजी से ग्रो करती है। तो कैम प्लांट धीरे ग्रो करते हैं, इसका कारण है नाइट में स्टोमेटा खुलना। तो रात भर जो स्टोमेटा से आई हुई CO2 है वो मैलेट के रूप में जमा हो जाएगी, उसी से अगले दिन CO2 निकाल के फोटोसिंथेसिस होगा, तो एक्स्ट्रा फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। C4 का फास्ट ग्रोइंग का कारण है CO2 की पंपिंग, यानी कि क्रायोजेनाटोमी और फोटो रेस्पिरेशन का अब्सेंट होना। तो दो पौधे हैं कैम, उनके फीचर्स अलग हैं, फोटोसिंथेसिस के एक टॉपिक से जुड़ते हैं। C4 है उसका करेक्टर अलग है, वो
फोटो रेस्पिरेशन को जीरो कर देने से जुड़ते हैं। तो ये तो प्रोसेस हमारी होगी कि पौधा जब स्टोमेटा खुलता है तो नाइट में डार्क एसिडिफिकेशन करेगा और आई वी सी ओ टू को स्टार्च के खर्चे के ऊपर मैलेट के रूप में वैक्यूल्स में भरेगा। ये लाइट से इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, स्टोमेटा खुलते हैं अंधेरे में, इसलिए सारा प्रोसेस डार्क में कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में मैटर आ जाएगा नेक्स्ट डे का, यानी कि ड्यूरिंग लाइट। अब इसमें पहला तो आपका आंसर यही है कि स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। तो स्टोमेटा बंद होते ही जो हम CO2 अंदर ले रहे थे, कार्बोनिक एसिड बना रहे थे, वो सब बंद हो गया। अब यहाँ जो मेन मैकेनिज्म ऑपरेट होती है वो ये है कि जो वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर जो मैलेट जमा था वो वैक्यूल्स में से बाहर आएगा, आउट, और बाहर आने के बाद में उसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का हटना, तो इसमें से CO2 हटेगी और इससे बनेगा पाइरूवेट प्लस CO2, और जो एंजाइम है उसका नाम है NADP प्लस मैलिक एंजाइम। तो अंतर है वो था NADH को काम में लेने वाला मैलेट डी हाइड्रोजिनेज, और ये है NADP प्लस मैलिक। तो NADP प्लस काम में लेगा, राइट, और वैक्यूल में जो मैलेट था वो दिन में बाहर आएगा और उसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा और CO2 रिलीज होगी। और ये जो CO2 रिलीज हुई है ये काम में आती है यूज इन C3, यानी कि बाय रूबिस्को, क्योंकि इस समय पे स्टोमेटा बंद है तो ये CO2 बाहर नहीं जा सकती, रूबिस्को इसको आराम से यूज करेगा और जो पाइरूविक एसिड बना है ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च के अंदर, जो कि स्टोर हो जाएगा, स्टोर इन क्लोरोप्लास्ट। तो कहने का मतलब ये था कि नाइट में स्टार्च टूट के फॉस्फेट और पाइरूवेट देता है और दिन के अंदर वापस स्टार्च है वो बनता रहेगा। फोटोसिंथेसिस अगर खूब हो गया है, खूब सारे CO2 अगर पकड़ी गई थी, तो एक्स्ट्रा स्टार्च भी जमा होगा और पौधे के पास बायोमास में ग्रोथ आएगी। इस पूरी प्रोसेस को, क्योंकि इसके अंदर जो एसिड था वो टूटा है और CO2 इसमें से निकली है और सब लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं लाइट डी एसिडिफिकेशन, लाइट डी एसिडिफिकेशन। तो कैम मैकेनिज्म के दो टुकड़े हैं, डार्क के अंदर एसिडिफिकेशन यानी कि मैलिक एसिड बनेगा और लाइट के अंदर मैलिक एसिड डी एसिडिफिकेशन होगा, CO2 देगा और लाइट रिएक्शन से बना हुए जो NADPH है वो काम में आएंगे और CO2 काम में आकर के केल्विन साइकिल, C3 साइकिल, जो अपना मेन फोटोसिंथेसिस का डायरेक्ट रिएक्शन होता है वो पूरा होगा। तो ऐसे ये पौधे पानी को बचाने के लिए स्टोमेटा के टाइमिंग को बैलेंस करते हैं फोटोसिंथेसिस के साथ में, कि नाइट में स्टोमेटा खोलेंगे उस समय पे फोटोसिंथेसिस नहीं करते क्योंकि अंधेरा होता है,
तो वो मैलिक एसिड के रूप में जमा करेंगे, तो वो है डार्क एसिडिफिकेशन। और जैसे ही सनलाइट आएगी, वैक्यूम्स में से मैलेट को निकालेंगे, उसमें से CO2 बाहर निकलेगी और फिर उसको यूज़ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा लाइट डी एसिडिफिकेशन। देखो, देखिए, अभी अपन ने जैसे C3 मैकेनिज्म, C4 मैकेनिज्म, CAM मैकेनिज्म, ये तीनों मैकेनिज्म डिस्कस किए। एक्चुअल में ये तीनों जो मैकेनिज्म अपन ने डिस्कस की हैं, ये डार्क रिएक्शन के वेरिएशन है। जैसे सिंपल डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल, वो C3 है। क्रैंज एनाटोमी के साथ में उसका अडेप्टेशन हो गया, वो C4 है। और लाइट और डार्क के हिसाब से हो गया, वो कैम है। तो इनमें अपन एक सिंपल कंपैरिजन करके बात करेंगे, जिससे अपने कुछ और पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि अपन एक ले लेते हैं C3, एक C4 और एक कैम। जैसे बात की जाए कि क्रेंज एनाटॉमी, तो C3 में आपको नहीं मिलेगी, C4 में मिलेगी, कैम के अंदर नहीं मिलेगी। देखो, जब क्रेंज एनाटॉमी बोलते हो तो जो डिफरेंशिएशन है वो खत्म हो जाता है ना। सारी सेल निजोफिल जैसी होती हैं, बंडल शीथ आ जाती है, जो अपने पीछे डिस्कस किया है। लेकिन क्रेंज एनाटॉमी केवल C4 का पार्ट है। ऐसी एक चीज पूछी जाती है कि CO2 का एक्सेप्टर कौन है ना, जैसे प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, पहली बार CO2 को कौन पकड़ता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा RuBP। C4 में आंसर आएगा पैप, और कैम में आंसर आएगा पैप। इसके बाद में अगर हम यही बात करें कि सेकेंडरी CO2 एक्सेप्टर कौन होता है, तो C3 में तो कोई होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्टली पहली बार में ही CO2 काम में आती है। C4 के अंदर सेकेंडरी होता है रूबिस्को, हाँ सॉरी, RuBP लिखे, रूबिस्को तो एंजाइम का नाम है, RuBP। और यहाँ पे भी अपन क्या देंगे, RuBP। अब यहाँ पे अपन साइट भी ले सकते हैं, साइट ऑफ CO2 एक्सेप्टर। तो देखो, यहाँ पे तो आएगा अपना मेजोफिल। अगर आप C4 लिखेंगे तो उसमें प्राइमरी तो आएगा मेजोफिल और सेकेंडरी आएगा बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। हाँ, ये अपन ने सेकेंडरी CO2 एक्सेप्टर, RuBP। अब थोड़ा सा इसमें आप एक चीज जोड़ दीजिए कि यहाँ जो अपन ने RuBP लिखा है, इसका कनेक्शन तो है बंडल शीथ सेल से, राइट। और ये जो प्राइमरी लिखा है पैप, इसका कनेक्शन है मेसोफिल से। अब अगर अपन कैम की बात करेंगे तो कैम प्लांट्स के अंदर प्राइमरी जो है वो भी कौन है, मेसोफिल, और सेकेंडरी है वो जगह भी कौन है, मेसोफिल है। बट आपको ध्यान देना है कि ये काम हो रहा है नाइट में, और RuBP वाला काम है वो होगा फिर अगले दिन डे में। तो जैसे दो बार CO2 को पकड़ने का सिस्टम C4 में है, कैम में है। C4 में वो जगह का मामला है, मेसोफिल एंड बंडल शीथ का मामला है। कैम के अंदर वो टाइम का मामला है, लाइट एंड डार्क का मामला है, राइट।
ऑक्सीजन इनहिबिशन कि क्या फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इनहिबिट करेगी? तो आंसर है यस, यहाँ आंसर आएगा नो, फिर यहाँ आंसर आएगा यस। तो जो सी फोर प्लांट्स हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, तो वो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन से इनहिबिट नहीं होते। बाकी सी थ्री प्लांट हैं वो नेगेटिवली प्रभावित होंगे, कैम प्लांट्स हैं वो भी होंगे। ऐसे अगर अपन बात करें कि ट्रांसपायरेशन, वाटर लॉस, ट्रांसपायरेशन का मतलब है वाटर लॉस, क्योंकि अपन फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो बाकी चीज़ें तो लेंगे नहीं, केवल स्टोमेटा के हिसाब से समझेंगे। तो अगर हम वाटर लॉस के हिसाब से इस चीज़ को देखें तो सी थ्री प्लांट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाटर लॉस करते हैं, सी फोर कम करते हैं, और कैम प्लांट्स हैं वो वेरी लो, सबसे कम वाटर लॉस। कारण क्या है? स्कोटो एक्टिव है कि एक तो आप स्टोमेटा दिन में खोलेंगे तो हवा ज़्यादा सूखी होती है और पानी ज़्यादा लॉस होगा, नाइट के अंदर हवा में नमी होती है तो इतना ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होगा। तो पर सी ओ टू मॉलिक्यूल वाटर लॉस के हिसाब से अगर आपको अरेंज करना हो तो हाईएस्ट वाटर लॉस सी थ्री करते हैं और सबसे कम है वो कैम प्लांट्स करते हैं। अब ऐसे अपन ले सकते हैं प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, ले लीजिए सिंपल ना, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस पर टाइम कि इकाई समय में पौधे ने कितना कार्बन जमा किया, कितना कार्बोहाइड्रेट जमा किया, उसको अपन प्रोडक्टिविटी के रूप में ले सकते हैं। देखो प्रोडक्टिविटी सी फोर प्लांट्स की लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है। लो कब होगी? जब टेम्परेचर हाई हो। और हाई कब होगी? जब टेम्परेचर नॉर्मल हो, क्योंकि जैसे अपन टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो ये फोटो रेस्पिरेशन करने लग जाते हैं तो उससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। अगर सी फोर की बात करेंगे तो सी फोर की प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट होती है और उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है नो सी टू साइकिल। और आप ऐसे भी कह सकते हैं सी ओ टू पंपिंग। सबसे ज़्यादा तेजी से ग्रो करने वाले जो पौधे होंगे वो सी फोर होंगे। अगर हम कैम की बात करेंगे तो वेरी लो आएगा, आंसर आएगा वेरी लो, क्योंकि ये रात भर जो मैलिक एसिड जमा हुआ था केवल उसी पे डिपेंड है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैलिक एसिड जो कि रात में जमा की गई थी, स्टोर्ड इन नाइट, उसकी वजह से एक्स्ट्रा सी ओ टू ये काम में नहीं रह सकते क्योंकि उनके पास होती नहीं है। तो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से अपन इनको कंपेयर कर सकते हैं। एक अपन ले सकते हैं सी ओ टू कंपनसेशन पॉइंट, और सी ओ टू कंपनसेशन पॉइंट की बात करें तो सी थ्री का ये हाईएस्ट होता है जो कि तकरीबन 25 से लेकर के 100 ppm कॉन्सेंट्रेशन तक होती है। सी फोर का लो होता है और कैम प्लांट्स का भी
लो होता है। तो सी थ्री प्लांट्स हैं उनका सी ओ टू कंपनसेशन पॉइंट है वो हाई होता है इन कंपैरिजन टू सी फोर एंड कैम प्लांट्स। और टेम्परेचर से जो इनहिबिशन आता है, टेम्परेचर से इनहिबिशन कि हाई टेम्परेचर होने पे फोटोसिंथेसिस स्टॉप होगा, इनहिबिशन आएगा है ना, लगभग जब आप 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर अपन ऊपर जाते हैं तो जो सी थ्री प्लांट्स हैं वो इनहिबिट होते हैं। और यहाँ पे प्रमोट होगा और कैम प्लांट भी प्रमोट ही होते हैं, उनको भी कोई इनहिबिशन नहीं आता है। हाँ, हाई टेम्परेचर के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ऑन हाई टेम्परेचर ये C4 की होती है। ये ज़्यादा तापमान के ऊपर भी ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाले जो पौधे हैं वो C4 पौधे होते हैं, ज़्यादा तापमान को सह सकते हैं, ज़ीरोफाइट सर्कुलेंट्स। C3 नहीं सहन कर सकते क्योंकि उनमें C2 साइकिल बहुत अच्छे से ऑपरेट होता है। तो कई सारे पॉइंट्स को लेकर के हम कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन हैं वो बन सकते हैं। टेम्परेचर इनहिबिशन का भी अच्छा पॉइंट बनता है, प्रोडक्टिविटी का इकोलॉजी के कंसर्न से बन सकता है, वाटर इकोनॉमी से क्वेश्चन अपना बन सकता है, राइट। साइट वगैरह का अपन को पता हो, प्राइमरी रिसेप्टर कौन है, सेकेंडरी रिसेप्टर कौन है, फैस्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बनता है, एनाटॉमी क्या है ना, लोकेशन वगैरह क्या है, ऐसी बहुत सारी फीचर्स हैं क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक होता है फोटोसिंथेसिस। तो काफ़ी सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपके पेपर्स में जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड होता है, अपन आराम से इन चीज़ों को कवर करके रखेंगे तो ये क्वेश्चन अपन आराम से सही कर लेंगे। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट बच गया है, वो है कि फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि थोड़े से अच्छे पॉइंट्स अपन मान सकते हैं, जो कुछ टर्म्स भी आएंगे, कुछ फीचर्स आएंगे, उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है जिनको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो आई होप आप इन वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, आप अपने नोट्स भी इनसे बना सकते हैं और लास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली ये जो वीडियो सेशन है ये आपके बहुत ही काम आएंगे। तो थैंक यू सो मच, गुड लक आप सभी को।